हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत। तो आज मैं आप लोगों को कैसे क्यूबेस को एकदम न्यूज से आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और देखिए, सबसे पहले जब इसको हम लोग खोलते हैं तो किस तरह का विंडो इसमें क्या, और जो भी उसको क्रिएट कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एकदम न्यूज से बता रहे, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि देखिए यहाँ पर फाइल से, यहाँ पर एडिट है, यहाँ प्रोजेक्ट आईडी, मीडिया, सारे चीज़ डिवाइस। तो हम लोगों को डिवाइस में तब हम लोगों को जाना पड़ता है जब हम लोगों को माइक में साउंड में आवाज़ नहीं आता है तब। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को ट्रैक कैसे ट्रैक बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इस पर राइट क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है एड ऑडियो ट्रैक, तब यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टूडियो में ट्रैक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो सेटिंग है, सेटिंग के बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया। और दूसरा, हम लोग जब भी अगर सिंगर को गवाना है तो हम लोग मोनो चुनेंगे, ठीक है, मोनो हम लोग चुनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ तो चुन लिए, और सॉन्ग को अगर लाना है तो सॉन्ग यहाँ पर दो तरह से हम लोग लाते हैं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके और एक हम लोग ऐड ट्रैक करके, समझे। अगर ऐसे करके अगर लाएंगे तो उससे भी हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐड ट्रैक में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ से हम लोग ला सकते हैं। तो दो तीन तरीका है यहाँ से, लेकिन सबसे अच्छा फंडा है यहाँ से हम ट्रैक अगर मान के चलिए तो हम अपना यहाँ से ले लेते हैं एक, जैसे इसको देखिए ड्रैगन ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर ले आके छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। और क्वेश्चन अब आता है कि क्वेश्चन आता है, देखिए मेरी आवाज़ इथी में नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर आवाज़ मिलने शुरू हुई, तो देखिए कि आप लोग किस तरह से। और अब मैं यहाँ पर बोलेंगे तो आवाज़ ले रहा है, ठीक है। पहले से हम लोगों को बाइक में मेरा आवाज़ सेटिंग नहीं किया हुआ था तो मैं आप लोगों को उसमें दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेरा यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन, आता है कि जब हम लोग हमने ट्रैक सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग वोकल में क्या क्या चीज़ लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि मेरा इसमें सेटिंग किया हुआ है ना, जरा से भी हम क्लिक कर देंगे रिकॉर्डिंग पे तो मेरा हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो सेटिंग में चले जाना है VST में जाने के बाद, समझे, VST में जाने के बाद आप लोगों को इफेक्ट में ऑडियो में चले जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ना कर सकते हैं, समझे। और बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें आप लोगों को मैं लेकर आऊँगा वीडियो, समझे। तो उसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे तो अच्छा से रिकॉर्डिंग, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो सारे चीज़ को मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं आज सोचा कि आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज बता दूँ। तो अब आता है, आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आता है क्वेश्चन, आता है कि अब इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे इक्वलाइजर पर, और यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑटो ट्यून ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऑटो ट्यून ले लेंगे। ऑटो ट्यून में अगर, ऑटो ट्यून के बारे में अगर आप लोगों को बेसिक नहीं जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को ऑटो ट्यून के बारे में बता दूँगा। तो देखिए सी आई है, यहाँ से हम सी माइनर कर लिए, ठीक है। इसका हम ऐसा जीरो कर लेना है, ठीक है, रिटर्न स्पीड को जीरो कर लेना है, ठीक है। और इसमें हमेशा ई रखना है, समझ,
आप लोग मेरी माउस पे देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे अगर सेटिंग कर लेता है तो बहुत मतलब बढ़िया हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को गुनगुना के बता दे रहा हूँ। तो देखिए कि किस तरह से इसमें ऑटो ट्यून मेरा चपक के धर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एक डिले लगा लेंगे। तो हम लोग ज़्यादा अधिकतम यूज करते हैं तो हम मोर डिले का यूज करते हैं। अभी 8 से 10% की कि सिंगर को आवाज़ ख़राब ना हो जाए, और थोड़ा सा इक्वलाइजर में मतलब हम थोड़ा सा अपना अपने हिसाब से कर लेते हैं। और उसके बाद एक अपना अपना फंडा है रिकॉर्डिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक ले लिया और तो हेलो तो इस तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग का लिए अपना विशेष प्लगइन चुन लेते हैं। तो अब यहाँ से अगर हमको मानते हैं कि अगर मेरी सॉन्ग को अगर रिस्टार्ट कर, और अब यहाँ पर है हम लोगों को कि इसमें जब भी हम ट्रैक अगर यूज कर रहे हैं तो ट्रैक को हम लोग बीट पे कैसे एडजस्ट करें। तो देखिए ये बीट पर, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग बीट और बार के बारे में नहीं अगर जाने तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए ये बीट पर कर ली, लेकिन ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बीट पर? क्योंकि मैंने तो टेम्पो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, समझे? तो अभी हाँ मैंने अंदाजे यहाँ पर 130 मार्क देख रहे हैं। ठीक है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, ये लमसम 110 के करीब में रहेगा, देख ले रहे हैं। देखिए अगर 110 को अगर हम लोगों को कर रहे हैं तो उस पर नहीं हो पा रहा है। तो लमसम इसको अगर हम लोगों को टेम्पो अगर नापना होगा तो वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। एक यहाँ से हम लोगों को वर्चुअल डीजे में जाकर वहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो उसको खोलने देते हैं। ठीक है, और ऐसे यहाँ से हम ड्रैगन ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि इससे अंदाजी 115 हमको भी लग रहा था कि 115। देखिए यहाँ पर कि इसका बता दिए एफ माइनर है। ठीक है ना, हमको भी देखिए, क्योंकि हम यहाँ जब 10 मार रहे थे तो देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था। तो अब यहाँ से देखिए इसको हम 115 करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसको एकदम राइट आ गया ना, जिससे देख ले। देखिए यहाँ पर लोग का राइट आ गया। हाँ, तो यही हम लोगों को बीट से बीट मिलाना है। अगर इस पर अगर हम गाते हैं और डीजे मिठू, तो समझे इस तरह का ये किसी और का डीजे ये ट्रैक है। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मतलब यहाँ से सारे चीज़ कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इतना ही पढ़ने क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है।